वेलकम फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भाइयों, काफ़ी सारे लोगों के शरीर में विटामिन B7 की कमी हो जाती है, जिससे वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। लेकिन काफ़ी सारे लोगों को यह पता नहीं होता है कि शरीर में विटामिन B7 की कमी के हो जाने पर क्या लक्षण आते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग अपनी वक्त पर सही जांचों को कराकर अपना सही इलाज नहीं करा पाते हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर में लंबे समय तक विटामिन B7 की कमी के बने रहने के कारण उनको काफ़ी सारी बीमारियां हो जाती हैं, जिससे वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा कि शरीर में विटामिन B7 की कमी के हो जाने पर क्या लक्षण आते हैं। तो इस विषय में पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो भाई, इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करें। मांसपेशियों में ऐंठन का होना, हाथों और पैरों में झुनझुनी का होना, त्वचा में रूखापन व खारिश का होना, ऊर्जा में कमी का होना, थकान का महसूस होना, बालों का झड़ना, त्वचा पर लाल चकत्ते दिखाई देना, नाखूनों का टूटना, त्वचा का इन्फेक्शन हो जाना, भ्रम का हो जाना, और भाइयों, नाक और मुंह के आसपास पपड़ी का जमना। तो भाइयों, शरीर में विटामिन B7 की कमी के हो जाने पर यह सभी लक्षण आते हैं। तो भाइयों, अगर आपको यह लक्षण हैं तो आप सही डॉक्टर के पास जाएं और अपनी जांचों को कराकर सही डॉक्टर से ही इलाज कराएं, उल्टा सीधा इलाज बिल्कुल भी ना कराएं। भाइयों, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो भाइयों, आप मुझसे कमेंट करें, मैं आपके हर कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। नमस्कार भाई।